السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف कोती बाला हूँ क़याम लिन व वसलानी भाइयों नौजवान साथियों बुज़ुर्गों आज के इस दस में इन शाह आपके सामने रमज़ान में क़याम यानि तरावी के सिलसिले में दो चार बातें करनी हैं सबसे पहले तो हम सब जानते हैं बड़ी मशहूर हदीस है इसकी फ़जीलत में तरावी की फजीलत में कि अल्लाह के नबी सर फरमाया कि रमज़ान में जो तरावी का अहतमाम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हुए उसके वादे पर यकीन करते हुए और अल्लाह की ज़ात से अजर सवाब की उम्मीद लगाए हुए तरावी की नमाज़ पढ़ता है तरावी का अहतमाम करता है तो नबी करीम करीमर सलाम फरमाते हैं कि लहू मा गुफ़ी मिन मातम्बी कि उसके जो है पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो ये तरावी जो हम पढ़ते हैं ये हमारी गुनाहों के मफ़रत का बहुत बड़ा ज़रिया है इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान में तरावी का अहतमाम करे मस्जिद आए इशा की नमाज़ पढ़ता ही है मस्जिद आए इशा की नमाज़ के बाद तरावी होती है इमाम साहब पढ़ाते हैं तो तरावी की नमाज़ इमाम साहब के साथ पढ़े चूँकि देखिए माहौल में किसी काम के करने का माहौल हो तो उस काम को करने में आसानी होती है अगर माहौल नहीं है तो काम को करने में आसानी नहीं होती है वही फ़र्द अगर छूट जाए कज़ा हो जाए फ़र्द अगर ना पढ़ पाए तो आदमी फ़र्द ही में देखिए कितनी दिक्कत आती है फ़र्द अगर किसी की फ़र्द नमाज़ छूट जाती है तो फ़र्द नमाज की अदायगी में देखिए अगर छूट गई इमाम के साथ जमात के साथ आदमी नमाज़ नहीं पढ़ा तो फिर देखिए कितनी रुकावटें आती हैं कितनी सुस्ती पैदा होती है तो लिहाजा हमारे वो भाई जो टाल मटोल करते हैं कि बाद में पढ़ लूँगा ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद चले जाते हैं फिर ये सोचते हैं कि बाद में पढ़ लूँगा फ़ला टाइप पढ़ लूँगा तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने आप को धोखा ना दें और ना ही शैतान के धोखे में आएँ टाल मटोल ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है बहुत बड़ा हरबा है ओलमायसलम में से किसी का कौल है वो कहते हैं कि ईयाकम तस्वी फ़ान्नत तस्वीफ़ अमिन जुनूद अब्लीस कि लोगों टाल मटोल करने से बचो आगे पीछे करने से बचो किसी काम को कि मैं अभी कर लूँगा बाद में कर लूँगा फ़ला वक्त कर लूँगा कहाँ इससे बचो फ़ान्नत तस्वीफ़ अमिन जनूद अब्लीस इसलिए कि यह टाल मटोल इब्लीस के लश्करों में से एक लश्कर है जिसके ज़रिए से क्या करता है वो आदमी पर हमला करता है आज भी हमारे यहाँ देखने में आता है इतनी बड़ी फजीलत है तरावी की नमाज़ की लेकिन पाँच ये जो रमज़ान जो है गुजर गए आज भी उलमाए राम के पास मशाए के पास ये सवाल आते हैं लोगों के कि मौली साहब ये जो है तरावी की नमाज़ फ़र्ज़ है कि सुन्नत है पाँच रमज़ान गुजर गए लेकिन सवाल यही आता है इरादा क्या है इसके पीछे अगर मौली साहब कहे थे नहीं है सुनत है तो छोड़ दूँगा हमारे साहब मैंने बार बार ये बात कही है कि साहब के के यहाँ जब अमल के सिलसिले में कोई सवाल सहाबा अल्लाह के नबी से करते थे आमाल अफजल किसी भी अमल के सिलसिले में सहाबा सवाल करते तो समझ लो कि सहाबा करने के लिए ही पूछते थे छोड़ने के लिए नहीं पूछते थे सहाबा सवाल करते थे करने के लिए हम सवाल करते हैं कि बचने के लिए मुली साहब अगर फ़र्ज़ से कह कह दिए कि ये सुन्नत है फ़र्ज नहीं है तो छोड़ देंगे तो मेरे भाइयों गुजारिश है कि आप तराबिक अहतमाम कीजिए एक महीने की बात है एक महीना आप इशा की नमाज़ पढ़ने आते हैं तरावी होगी इमाम साहब पढ़ाएंगे, आ के माहौल है तरावी की नमाज़ पढ़िए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने जो बशारत दी उस बशारत के मुस्तक में आपको बनाइए मगफ़रत का वादा है उस पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा तो ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ ये देखने में आती है कि बाज़ लोग तरावि कुछ पढ़ते हैं या बज लोग तरावी पढ़ने के बाद वितर जो है पढ़ने के लिए वो जमात छोड़ देते हैं और चले जाते निकल के अब जाने वालों के पीछे क्या वजूहत हैं उनके अपने रीजन्स हैं अब क्यों जाते हैं उनके अपने मकसद हैं हम नहीं बता सकते लेकिन अगर कोई ये सोच कर जाता है कि मैं वितर अभी नहीं पढ़ूंगा चूँकि मुझे और भी नफली नमाजें पढ़नी और भी रक़ात में इजाफ़ा करना और पढ़ना है तो याद रखिए ये खिलाफ सुन्नत है नबी करीम करीमलात वाम की सुन्नत की जो है मुखालफत है यह अलग बात है किलमां ने इजाज़त दी है कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन नबी करीम सलात की हदीस है बड़ी ताक़द के साथ यह हदीस वारिद हुई है हरत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के सर रमज़ान हो गैर रमज़ान हो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो नबी करीम सलात वसलाम ग्यारह रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे आपको आप ग्यारह रकात ही में क्या करिए किरत लंबी कीजिए और तनहा अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये भी चांस नहीं कि आप किरत लंबी कर पाएँ तनहा पढ़े कोई तो कितना पढ़ेगा भाई हमें से किसको पूरा कुरान याद है इला माशाल्लाह कोई हाफिज़ है तो लंबी किरत करेगा लंबा क्या करेगा लेकिन इमाम के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों फ़ायदा होगा क़िरत भी लंबी होगी क़याम लंबा होगा और दूसरी चीज़ एक फजीलत जो हदीस में वारिद हुई क्या है कि मन क़ामा मायल इमामी जो शख्स इमाम के साथ कयाम करता है हतीफ़ यहाँ तक कि इमाम नमाज़ पढ़ा कर लौट जाए वो भी लौटे इमाम के साथ नमाज पढ़ ली पूरी गैर रखा इमाम लौटता है फिर वो भी लौट जाए यानी इमाम के साथ मुकम्मल कर ले वो गैर रखात क्या फजीलत आई है कुतिबा लहू क़यामुल लैलतिन कि पूरी रात क़यामैल का उसको सवाब मिलता है क्या मिलता है पूरी रात क़यामिल्लैल का उसको सवाब मिलता है कितनी बड़ी फजीलत है दो फजीलत एक तो अगर वो क़याम करता है रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ता है तो क्या है उसके पिछले गुना माफ़ कर दिए जाते हैं दूसरी चीज़ इमाम के साथ अगर पूरी गैरहत पढ़ता है मुकमल यह नमाज़ इमाम के साथ पढ़ता है तो क्या फजीलत है क़यामैल का पूरी रात क़याम ल पूरी रात उसको जो है कयाम का और तरावी का साव मिलता है तो मेरे भाइयों हमें और आपको चाहिए कि हम जो है रमज़ान के महीने में एक माहौल है मौसम है और तरावी का अहतमाम हो रहा है मस्जिद में आप सभी लोग आएँ तरावी पढ़ें अल्लाह ताला हमें और आपको जो अमल के तो़ीक़दा फ़रमाएँ आमिरुम व बरकातहू